हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेराल्ड गॉरफिंकल की सोशियोलॉजी, जिनकी थ्योरी है बहुत ही फेमस, जिन्होंने एक पूरा पद्धति शास्त्र दिया था, नरजाति पद्धति शास्त्र, जिसको कि बोलते हैं एथनो मेथडोलॉजी। ये हमारा यूनिट 1 का सेक्शन 3 के थिंकर्स चल रहे हैं, और इससे पहले काफ़ी सारे थिंकर्स की थ्योरीज हमने अपलोड करी हैं, आप चैनल पर जाकर के उनको देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते जाइएगा, मैं बार बार आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बार बार मैं वही चीज़ बोल रही हूँ कि आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन करिएगा और पॉइंट आउट करते जाइएगा कि किसने क्या क्या मेनली बोला है। कुछ चीज़ें मैं टाइप नहीं कर रही हूँ तो वो आपको शायद स्लाइड पर ना मिले, बट मैं बोल रही हूँ तो मेरी बातों को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है मैंने लिखा ना हो बट वो चीज़ें मैं आपको बता दूँ, तो वो चीज़ें समझने की कोशिश करिएगा। हेराल्ड गॉरफिंकल को एथनो मेथोडोलॉजी का फादर बोला जाता है, जैसे कि अल्फ्रेड सूर्जू ने जो इनका था प्रघटना शास्त्र उसको किया था, उसी चीज़ का, उसी के अंतर्गत एक विधि है जिसको कि बोलते हैं एथनो मेथोडोलॉजी, यानी कि नरजाति पद्धति शास्त्र। इसमें क्या होता है कि जो अध्ययनकर्ता होता है वो, यानी कि रिसर्चर, वो जाता है, सहभागी अवलोकन करता है, मतलब वहाँ पे जा करके वो कुछ दिन रुकता है, जिस भी समूह का उसको अध्ययन करना होता है वहाँ पे जा करके वो कुछ दिन रुकता है, उनके बीच में रहता है और फिर वो चीज़ों को समझता है, देखता है, बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन करता है। और फिर उसका मेन रीज़न ये होता है कि वो ये देखना चाहता है कि जो लोग हैं वो वास्तविकता को कैसे बनाए रखते हैं, कैसे वो अपनी धारणाओं को बनाए रखते हैं। इस पे एक क्वेश्चन भी आया था कि एथनो मेथडोलॉजी मेनली किस बात पे फोकस करती है, तो एथनो मेथडोलॉजी मेनली ये देखने की कोशिश करती है कि वो कलापूर्ण प्रवृत्तियाँ जिनकी वजह से लोग वास्तविकता को बनाए रखते हैं, कि कैसे लोग वास्तविकता को बनाए रखते हैं, इसी को उन्होंने एक वर्ण में बोला है आत्मवाचक क्रिया। सबसे पहले देख लेते हैं इनकी बुक, बहुत ही फेमस 2 बुक हैं, स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी एंड दूसरी बुक है कॉन्ट्रीब्यूशन टू एथनोमेथोडोलॉजी, काफ़ी ईजी हैं, आप इजिली याद कर सकते हो। तो इन्होंने सामाजिक तथ्यों की आलोचना करी, क्योंकि इन्होंने कहा कि जैसे दर्खाइन ने बोला कि जो सामाजिक तथ्य हैं, जो सोशल फैक्ट हैं, वो समाज की वजह से बने हैं, लेकिन गॉरफिंकल ने बिल्कुल इसके उल्टा कर दिया। इन्होंने कहा कि सामाजिक तथ्य समाज की वजह से नहीं बने हैं, सामाजिक तथ्य व्यक्तियों के अनुभव हैं, तो ये व्यक्तियों की वजह से बने हैं और ये दिन प्रतिदिन की क्रियाओं से, उनकी गतिविधियों से बने हैं। इन्होंने कहा कि हमें अगर इस चीज़ को जानना है तो हमें आत्मवाचक क्रियाओं के अर्थ को समझना पड़ेगा। समझ लेते हैं कि आत्मवाचक क्रिया है क्या। आत्मवाचक क्रिया मीन्स कि वो क्रियाएं या फिर वो कार्य जिनकी वजह से हम वास्तविकता को बनाए रखते हैं, धारणाओं को बनाए रखते हैं। सपोज दैट कि हमारे माइंड, सबसे पहले समझ लेते हैं आत्म क्या है। आत्म का मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ यानी कि हमारा जो माइंड में एक थॉट प्रोसेस जो बन चुकी है, जो हम सोचते हैं जिस तरीके से, जो हमारे देखने का संदर्भ, हमारा दृष्टिकोण है, ये है हमारे माइंड का सेल्फ। और सेल्फ में हमारे एक बार कोई चीज़ बैठ जाए तो उसको हम इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। जैसे ये होता है ना कि किसी से अगर बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रिश्ता बन जाए तो हम उसको तोड़ना नहीं चाहते, सेम थिंग होती है सेल्फ में, कि अगर कोई भी चीज़ हमारे सेल्फ में एक बार आ जाए, हमारे माइंड में आ जाए, तो उसको हम इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहते। सपोज दैट हमारे सेल्फ में ये चीज़ आ चुकी है कि भगवान होते हैं, भगवान का अस्तित्व है, हमारी प्रार्थनाएँ भगवान सुनते हैं। हमने क्या किया, हम मंदिर गए, हमने मन्नत मानी कि प्रभु जी मुझे एग्ज़ाम में 100 तो नहीं बट 90% मार्क्स दिला देना, एंड मैंने मन्नत मानी कि हाँ अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी या समथिंग, ऐसा ऐसा जैसे आप लोग मन्नत करते हो। फिर क्या हुआ कि एनी हाउ एग्ज़ाम बहुत टफ था या कुछ भी रहा, तो मेरा एग्ज़ाम थोड़ा ख़राब हो गया। अब वहाँ पे होना ये चाहिए था कि मेरा भगवान से विश्वास उठ जाता, लेकिन अब चूंकि भगवान में विश्वास हमारे सेल्फ में आ चुका है, हमारे आत्म में आ चुका है, तो भगवान से विश्वास उठने की बजाय हम वहाँ पे बहाने देना शुरू कर देंगे। हम क्या कहेंगे, यार भगवान ने तो किया था बट मेरे में ही कोई कमी रह गई, मेरी किस्मत ही है, आई थिंक भगवान मुझे कुछ और अच्छा करना चाहते हैं, आई थिंक थोड़ा भी टाइम नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम बहाने बनाने लगते हैं या ऐसी ऐसी चीज़ें हम करने लगते हैं जिससे कि हमें लगे कि हाँ हमारी जो रियलिटी है, जो हमारा जो आत्म है, उसको ठेस ना पहुंचे। तो हम जब वास्तविकता को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, जिन क्रियाओं को करते हैं, उसको ही इन्होंने बोला है
आत्मवाचक क्रिया। फिर उन्होंने दिया संदर्भिता। संदर्भिता का मतलब होता है कि अगर हम कोई क्रिया कर रहे हैं तो वो किस संदर्भ में है, क्योंकि बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको कि समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उनके संदर्भ को समझें। जैसे कि एक वर्ड है गोली। अब गोली वर्ड जो है तो इसके कई सारे अर्थ निकल सकते हैं, कि एक बंदूक की गोली भी होती है, एक वो खाने वाली गोली भी होती है। तो उसको जानने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम समझें कि किस संदर्भ में बोला जा रहा है। दूसरा वर्ड है उत्तर। अब उत्तर के भी दो अर्थ निकलते हैं, एक उत्तर का मीन होता है आंसर, एक उत्तर हो जाती है आपकी दिशा। तो अगर हम समझ जाएंगे कि जो हमने वर्ड बोला है या जो सामने वाले ने वर्ड बोला है वो किस संदर्भ में बोल रहा है, तभी हम उसके सही अर्थ को समझ पाएंगे। तो किसी भी चीज़ के सही अर्थ को समझने के लिए हमें उसके संदर्भ को समझना पड़ेगा कि वो किस संदर्भ में बोल रहा है, किस बारे में बोल रहा है। नहीं तो फिर हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि वो बोल क्या रहा है, क्या कहना चाह रहा है वो। देन इन्होंने बोला मीनिंग एंड अकाउंट। अकाउंटिंग मेथड के थ्रू हम जो मतलब जो डेली डेली बातचीत है, इन चीज़ों को इन्होंने लिखा और फिर उसके माध्यम से उसके अर्थ को निकालने की कोशिश की, दैट इज़ मीनिंग एंड अकाउंट। टीकात्मक व्यवहार यानी कि ब्लीचिंग एक्सपीरियंस। ब्लीचिंग एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला कि हम जैसे जो रोज़ बोलते हैं जो वर्ड वो निरर्थक नहीं होते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई अर्थ छिपा होता है। जैसे कि मैं आपके घर आऊँ फिर मैं बोलूँ कि मुझे चाय वाय पिलाओ, तो चाय का तो अर्थ होता है चाय, बट ये जो वाय वर्ड मैंने जोड़ा ये निरर्थक नहीं है। चाय वाय का मतलब हो गया कि मुझे चाय के साथ में कुछ और भी चाहिए, समथिंग बिस्किट नमकीन या कुछ भी। तो जो दूसरा शब्द होता है, मतलब जो भी हम डेली के डेली बोलते हैं वो निरर्थक नहीं होता है, उसका कोई ना कोई अर्थ कहीं ना कहीं छिपा होता है। इसी को उन्होंने बोला टीकात्मक व्यवहार यानी कि ब्लीचिंग एक्सपीरियंस। तो ये इनके कुछ मेन मेन पॉइंट है, आप इनको याद रखिएगा, एग्जाम में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये। थैंक यू सो मच। हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगते हैं। मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट पढ़ के, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग 100% डेस्परेट हो।